सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नई ऊर्जा के साथ हम बने हैं आपके साथ। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जैसा कि हमारा वीडियो हर सबके पास चला जाए और सबको समझ में आए। क्योंकि आज का जो चैप्टर है फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 1, आज हम चैप्टर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये हमारा इसका पार्ट फर्स्ट रहेगा, इसके बाद पार्ट सेकंड, उसके बाद पार्ट थर्ड में हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे आपको। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और विद्युत क्षेत्र के बारे में, उसका क्षेत्र के बारे में। देखिए, जो ये विद्युत क्षेत्र है इसके आवेश की कोई भी परिभाषा नहीं होती है। पहला हेडिंग हमारा है आवेश। आवेश की कोई फंडामेंटल परिभाषा नहीं है। अगर आप बेसिक तौर पे देखें हम, तो इसे हम कह सकते हैं चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम यहां लिख दे रहे हैं चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मैटर। ठीक है, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम लिखेंगे यहां पे आवेश एक आवेश द्रव्य का मूल गुणधर्म है। हमने क्या बताया, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चार्ज द्रव्य का एक मूल गुण है। देखते हैं, अगर इसकी हम दूसरी परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं द्रव्य के साथ जुड़ी एक अदिश राशि जो चुंबकीय अथवा वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करती है। उसको हम लिखेंगे नहीं ब्लैक बोर्ड पे, आप लोग अगर कॉपी साथ में लिए हो तो लिख लेंगे। हम फिर से बोल दे रहे हैं एक बार, द्रव्य के साथ जुड़ी वह अदिश राशि जो चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप ऑफ चार्ज। इसके दो प्रकार हैं, टाइप ऑफ चार्ज के दो प्रकार हैं। पहला जो है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हम, तो अगर हम देखते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को रिफेल करेगा, रिफेल माने प्रतिकर्षण करेगा। पॉजिटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को रिफेल करेगा, यानी प्रतिकर्षण करेगा। ठीक उसी प्रकार निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिफेल करेगा, यानी प्रतिकर्षण करेगा। और जो पॉजिटिव और निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट यानी आकर्षण करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर देते हैं, ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण करते हैं, ये आकर्षण नहीं कर सकते हैं। और जो निगेटिव निगेटिव चार्ज हैं, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, ये अपने आप में ये नहीं जुड़ सकते, ये नहीं आ सकते, ये आकर्षण नहीं कर सकते। और अगला है, जैसे मान लीजिए निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। ठीक है, आकर्षण करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चार्जिंग की। आगे हम बात करते हैं चार्जिंग की। चार्जिंग, फोन चार्ज होता है? वाओ, फोन चार्ज होता है, हमें तो पता ही नहीं था। चार्जिंग की बात करते हैं तो चार्ज जो होता है आवेश। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, किसी टच हो गया तो बोलते हैं अरे किधर जा रहा है, हमारे आवेश उसके अंदर चले गए और उसके अंदर भी एक आवेश उत्पन्न हो गया। हम गाड़ी से जा रहे हैं कहीं पे रास्ते में और किसी गाड़ी पर टच हो गया, थोड़ा सा भी टच हो गया, तो उसके बाद अलग से चार्ज आ जाता है। ओए एकदम, उसको हम पूछे मत, हम कह नहीं सकते। तो हम देखते हैं
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण पर, घर्षण पर आवेश या आवेश पर घर्षण। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब दो वस्तु, एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, आपस में हम रगड़ते हैं, तब एक वस्तु का जो आवेश है वो दूसरे वस्तु में चला जाता है, इसी को हम फ्रिक्शन ऑफ घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, जब इसको हम एक दूसरे से रगड़ेंगे, मोशन होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो जो इसका आवेश है वो दूसरे वस्तु में चला जाएगा, जिससे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन घर्षण द्वारा आवेशन होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। मान लीजिए ये कोई गोला है, एक गोला, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने घर्षण कराया एक दूसरे पे, एक दूसरे से रगड़ा रगड़ा। ठीक है, मान लीजिए ये एम है, ये भी एम है, क्योंकि जो वस्तु होता है ये दोनों वस्तु उदासीन है, इन पर कोई आवेश नहीं है, आवेश तो है लेकिन ये उदासीन है। ठीक है, ये मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, मान लीजिए इस पर हम 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आवेश है और इस पर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आवेश है। अब आप लोग क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कैसे, ये तो पहले आपने उदासीन बताया। देखो उदासीन तो है, घनावेश और ऋणावेश आवेश बराबर है इसलिए ये उदासीन है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें है, वो भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश इसमें है, तो ये समान है लेकिन ये उदासीन है। ठीक है, इसका आवेश, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, अंधेरा कायम रहे निगेटिव में। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें, इलेक्ट्रॉन इसमें गए। ठीक है, यहां पे कितना बचा, 40, और यहां पे दगा 10 इसमें आ गए इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे कितना बचा, यहां पे बचा जुड़ा 10 जुड़ा और यहां क्या हो गया 40। अब देखते हैं सबसे मेन क्वेश्चन यहां बनता है कि अब देखते हैं घनावेश कहां आ रहा है और ऋणावेश कहां आ रहा है। देखिए इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट M2 में गया। ठीक है, ये M1 है और ये M2 है, तो हम देखते हैं 10 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे ऑब्जेक्ट में गया तो इसमें अतिरिक्त में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसलिए यहां पे आएगा धनावेशित। और अगला हम देखेंगे, क्योंकि यहां पर अगर यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट को दिया तो यहां पर ये निगेटिव आएगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। अब आगे एग्जांपल थ्रू देखते हैं, हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एग्जांपल में हम लेते हैं एक ग्लास ऑफ रॉड और दूसरा लेते हैं हम स्किल क्लॉथ। ग्लास और माने कांच की छड़, कांच की छड़ लिए हम और ये रेशम का कपड़ा, ये रेशम का कपड़ा है, इसको हम एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ही है ये। अब देखते हैं, जब हमने बताया कि कांच की छड़ पर, मान लीजिए कोई कांच है, ठीक है कांच है, इसको हमने रेशम कपड़े पर रगड़ा तो जो इसका आवेश है वो इस रेशम के कपड़े पर चला गया। ठीक है, इसका आवेश इलेक्ट्रॉन, आवेश नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन रेशम कपड़े पर चला गया। अब यहां पर जो हमारी प्रॉपर्टीज निकल के आई वो क्या आई देखते हैं। जो यहां पर था ये आ गया कांच की जो छड़ है वो पॉजिटिव में हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जब हमने इसमें रगड़ा तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। जब हमने कांच की छड़ को रगड़ा, रेशम का भी बताया मैंने एग्जांपल के तौर पे, कि जब हमने कांच की छड़ पर रगड़ा तो उसका कुछ इलेक्ट्रॉन आवेश चला गया रेशम की कपड़े पर। ठीक है, रेशम कपड़े पर चला गया तो ये हमारा कांच की छड़ पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके थ्रू आता है एक दो कॉन्सेप्ट है, प्रेरण द्वारा आवेशन और घर्षण द्वारा आवेशन।
जो प्रेरण प्रेरण द्वारा आवेशन है उसे हम जैसे कहते हैं कि मोटिवेट करना, हमें नीट क्वालिफाई करना है, हमें एनडीए क्वालिफाई करना है, हमें वर्दी पहननी है, ये हो गया बिना टच किए आवेशन। ठीक है, आप हमने आपको मोटिवेट किया, आप मोटिवेट हो गए, आप चार्ज हो गए। ठीक है, और जो घर्षण वाला होता है, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है और हमने उसे गाल पे मार दिया, क्या हुआ? घर्षण हुआ, गाल पे लगा, हमारे हाथ का आवेश उसके गाल पे गया और निगेटिव आ गया, और निगेटिव थॉट करेगा सर आप पढ़ाते नहीं हो अच्छा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो हम बच्चों को मारते नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है आपने समझा, ये कॉन्सेप्ट था आपका, आप नोट्स में मत लिखिएगा इसे, ये केवल समझाने के लिए था, और बाकी एनसीईआरटी बुक में बहुत लंबा इसका एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं नोट्स की, मैं आपको कुछ नोट्स लिखाऊंगा और हर नोट्स में कई क्वेश्चन छिपे होंगे। नोट्स, नोट्स पहला नोट में अगर हम लिखवाना चाहें तो हम कह सकते हैं चार्ज ऑलवेज कम विद मास, चार्ज ऑलवेज कम विद मास। हमने क्या बताया, चार्ज ऑलवेज कम विद मास, आवेश हमेशा द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर ही होता है। आवेश हमेशा द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर ही होता है। अब देखिए, आवेश कहां होगा? जब द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होगा तब आवेश होगा। हवा में कोई द्रव्यमान नहीं है तो इसमें कोई भी आवेश नहीं है, द्रव्यमान है तो आवेश है, द्रव्यमान अगर होगा तभी उसमें आवेश होगा। ठीक है, समझ में आया? अगर द्रव्यमान है तो इसमें आवेश है। अगला नोट्स देखते हैं, नोट नंबर टू, हमारा सेकंड नोट्स क्या कहता है कि मान लीजिए एक हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाते हैं आपको, एक ले लिया पॉजिटिव और एक ले लिया नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव भरा है और इसमें नेगेटिव 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 चार्ज भरे हैं। ठीक है, हमने इसको मान लिया यम वन और यम टू। ठीक है, हमने इसको मान लिया यम वन और यम टू। अब जो ये हमारा ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और जो ये हमारा है वो है नेगेटिव चार्ज। और एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये पॉजिटिव देता नहीं है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाते हैं, और जो इसका इलेक्ट्रॉन ये निरावेशित को नहीं ग्रहण करता है, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन जाता है, ना कि पॉजिटिव धनावेश जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन जाकर इसमें समाहित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं M1 बड़ा है M2 से। तो अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इसमें अगर हम डालेंगे तो कौन ज्यादा हुआ? इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला, खींचा, और ये कम हो गया, और इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को डाल दिया और ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर नोट्स थ्री की बात की जाए, हमने दो नोट्स बताया, आप नोट कर लीजिए, जब मैं साइड में होता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नोट थ्री की बात करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। नोट थ्री की बात करें अगर हम नोट्स थ्री की बात करें हम तो देखिए, हम पहले चार्ज बना दे रहे हैं, चार्ज अगर वेलोसिटी हमारी जीरो है, ध्यान समझिएगा, इसका तीन टॉपिक है, तीन भागों में है ये, अगर इसकी वेलोसिटी अगर जीरो है, मान लीजिए एट रेस्ट, आराम की स्थिति में है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करेगा। आगे हम पढ़ेंगे क्षेत्र, उसमें ये तो मान लीजिए आपका बेसिक था, आगे चलेंगे तो आपको थोड़ा टफ रहेगा। अगर आप बने रहेंगे वीडियो के साथ लगातार, पहली वीडियो आपने देखी होगी,
ये पहला वीडियो है, इसका अगर पार्ट टू आपने देखा देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए वेलोसिटी अगर जीरो है तो हमारा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका सेकंड देखते हैं, उसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। अगला मान लीजिए वेलोसिटी हमारी कॉन्स्टेंट है, ये चार्ज है सी, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसका हम तीसरा देखें, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, तो अगर यहां पे चार्ज लगा दें तो क्या हो जाएगा यहां पे, तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस एनर्जी, क्योंकि ये जो ये वाला चार्ज है इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर चलेगा फिर रुक जाएगा, खाएगा पिएगा नाश्ता करेगा फिर उठेगा फिर भागेगा, फिर रुकेगा नाश्ता पानी करेगा फिर भागेगा, तो उसे बार एक मिलती रहेगी। और जो हमने ये बताया इलेक्ट्रॉन अगर वेलोसिटी हमारी जीरो है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत इलेक्ट्रॉन जो है वो क्षेत्र के क्या बोलते हैं उसे, आवेश के क्षेत्र में प्रवाहित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित करेगा। अगर मान लीजिए वेलोसिटी हमारी कॉन्स्टेंट है तो इलेक्ट्रॉन भागेगा जितनी तेज भाग सकेगा भागेगा, इधर उधर अफरा तफरी मचा देगा। और जो मान लीजिए वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है और वो नगण्य के बराबर है तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भागेगा फिर रुकेगा नाश्ता पानी करेगा अपना खाएगा पिएगा फिर उठेगा फिर भागेगा, उसमें एक एनर्जी भी जुड़ जाती है, ठीक है, एनर्जी भी जुड़ जाती है। अब हम बात करेंगे आवेश के मात्रक के बारे में, आवेश के मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक अगर बात करेंगे तो यह एक प्रकार की अदिश राशि है, अदिश राशि है पहला, ठीक है, अदिश राशि है, इसको चाहे जहां उठा के रख दो क्योंकि करंट चाहे हर जगह पे हो सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर हर जगह। ये तो आप कहते नहीं है कि तार, तार को अगर मोड़ के लगाएंगे तो ज्यादा लाइट आएगी, तार को अगर इस क्षेत्र में लगाएंगे तो ज्यादा लाइट आएगी, क्योंकि इसमें कोई भी प्रभाव नहीं होता, चाहे तार चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, लेकिन उसे पॉजिटिव निगेटिव में जोड़ना पड़ेगा आपको अच्छे से, वो आगे देखेंगे हम पहले। अब देखते हैं इसका एसआई मात्रा क्या है, एसआई यूनिट सेकंड। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसका हम दो कह सकते हैं, एक तो इसे हम कूलाम से डिनोट करते हैं और दूसरा एम्पियर मीटर, एम्पियर और मीटर से इसे हम डिनोट करते हैं, एम्पियर मीटर से, ठीक है। अगर हम इसकी वीमा की बात करें, वीमा तो इसकी वीमा होती है एम जीरो एल जीरो, क्या होती है एम जीरो मीटर का जीरो और लंबाई का लेंथ जीरो और टी वन ए वन, ठीक है, टी वन और ए वन होती है, ये हमारा इसका कुछ मात्रक था। अगर हम बात करें चार्ज का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन, आप लिख सकते हैं नोट्स में, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा, चार्ज का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, उसका सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है एक फैराडे। अगर हम बात करें एक फैराडे बराबर कितना होता है, एक फैराडे बराबर ये चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसका अगर बात करें तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है, इतना बड़ा होता है इसका मात्रक, कितना, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। तो ये हमारा पहले पार्ट का वीडियो था, बेसिक तौर पे बताया मैंने, और अगले वीडियो में इसका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलाम का नियम वैसे से करके आप टॉपिक धीरे धीरे बढ़ाएंगे और लास्ट में इसका न्यूमेरिकल भी हम आपको बताएंगे। अगर इसमें थोड़ा बहुत पता है हमें, थोड़ा बहुत अगर गलतियां हुई होगी तो उसका माफ करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में आपको कोई मौका नहीं दूंगा गलती का,
चलिए, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और शाम को अनुराग सर एक क्विज चलाते हैं 7 बजे, जिसको अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकता है, 7 बजे टाइम है। और इसमें 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आपको विशेष प्रकार का पुरस्कार दिया जाएगा। उसमें कैश हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, और विशेष उपहार, वो तो आपके उपहार के ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग जरूर से जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।